यहाँ देखिए ये पोल है और इसी पोल से डायरेक्टली मेन लाइन इसके अंदर में एंड करेगा और इसी के नीचे मीटर भी लगेगा और यहीं से मीटर से आउट करेगा, यानी ये इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा जब नीचे का वर्क होगा। फिलहाल ऊपर में अगर देखेंगे तो ये इनका बाहर का एरिया है और इसमें सिर्फ ओनली फॉर फैन बॉक्स लगा है और फैन बॉक्स से अगर आप देख पाएंगे तो इधर में एक डाउन यहाँ पे हुआ है, इसके बाद दूसरा डाउन यहाँ पे हुआ है और यहीं से आपका ये छज्जी में ये देखिए बाहर का ये आर्च है और ये छज्जी है। इस छज्जी में अगर देख पाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 छज्जी में टोटली यहाँ पे, इसमें आगे का छज्जी है इसमें पूरा फिटिंग हो चुका है टोटली। ये 1 इंची का पाइप है और इस छज्जी में 2 जगह से मिला सकते हैं आप। एक यहाँ से ये बरामदा का एरिया है तो बरामदा में भी 4 कौंसिल लाइट के लिए बॉक्स है और एक फ़ैन बॉक्स है तो वहाँ वो मिल गया है और एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ 1.5 इंची मिला दिए हैं। इसके बाद ये 1.5 इंची आपका डाउन हुआ है तो ज़्यादातर इसके अंदर में देखेंगे 1.5 इंची और 1 इंची का ज़्यादा फिटिंग हुआ है। ये 1 इंची का पाइप इसके अंदर इन किया है और यहीं से अगर देखेंगे तो ये दूसरे वाले रूम है। यहाँ पे टोटली देखेंगे तो आपको दिखा पाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप ज़्यादातर वर्क देख रहे हैं इस सभी के अंदर में फ़ैन बॉक्स है। कौंसिल बॉक्स सिर्फ आगे वाले बरामदा है उसके अंदर है और बाकी का ये जो छज्जी देख रहे हैं इस छज्जी के अंदर में है। इसके बाद बाहर में आप देख पाए और अंदर में वहाँ 2 जगह पे कौंसिल बॉक्स है, बाकी सभी जगह पे फ़ैन बॉक्स ही है। तो फ़ैन बॉक्स टोटल कितना है आपका, यहाँ पे 1 है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा चौथा पांचवा है वहाँ पे, छठा सातवा आठवा यानी टोटली 8 यहाँ पे फ़ैन बॉक्स है। चलिए इस सभी को यहाँ पे देख पाएंगे, ये मेन लाइन यहाँ पे आया और यहाँ पे MCB बॉक्स के लिए तो यहाँ पे डाउन हुआ 2, एक यहाँ से 1 इंची और 1 इंची पाइप यहाँ पे डाउन हुआ है। ये सारा का सारा 1 इंची पाइप से ही टोटली बाहर पीछे तक मिला हुआ है। इसके अंदर में भी देखें यहाँ पे भी टोटली 1 इंची का ही वर्क फिटिंग हुआ है, सिर्फ डाउन जो हुआ है वो सिर्फ आप लाइट के लिए वो 1.5 इंची का है। अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 इंची से यहाँ पे डाउन हुआ है, 1.5 इंची वहाँ पे भी डाउन हुआ है और ये 1 इंची का डाउन अंदर में हुआ है जब ये मेन बोर्ड के लिए आएगा तो इसके लिए। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आप देख पाएंगे यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ये फ़ैन बॉक्स है और फ़ैन बॉक्स से 5 लाइन मिला हुआ है तो आपका ये बाईपास एक मेन लाइन के लिए मिला हुआ है सभी में एक दूसरे को और यहाँ पे 1 इंची वहाँ डाउन हुआ है, 1.5 इंची वहाँ पे भी है और दूसरा 1.5 इंची यहाँ पे भी डाउन है। तो इस तरीके से सभी रूम के अंदर सेम टू सेम वर्क हुआ है और यहाँ पे भी इसको एक बाईपास यहाँ पे एक मिला दिया फ़ैन बॉक्स है। ये पैसेज का एरिया है इसके अंदर में, ये भी एक छोटा सा रूम ही है। अगर आप देख पाएंगे ये भी एक रूम है, इस रूम में भी सेम है, आप यहाँ पे 1 इंची का पाइप मिला, यहाँ पे 1.5 इंची का प्लस में यहाँ पे भी देखेंगे 1.5 इंची और वहाँ पे भी 1.5 इंची ये डाउन इस तरीके से हुआ। तो जनरली इस सभी के अंदर में पाइप फिटिंग हो चुका है और अब यहाँ पे दिखाओ ये लास्टली बाथरूम का एरिया है और बाथरूम के एरिया के अंदर में आपको दिखाओ फ्रेंड्स, ये देखेंगे तो एक लाइट यहाँ पर है और ये सारे के सारे 1.5 इंची से ही डाउन हुआ क्योंकि इस सभी के अंदर में टॉयलेट रूम है तो एक एक लाइट जाने वाले हैं इस सभी के अंदर में। आपको आगे नेक्स्ट दिखा पाओ यहाँ पे भी अगर आप देख पाएंगे तो ये भी एक फ़ैन बॉक्स कौंसिल बॉक्स है जो एक किचन का एरिया है और किचन के एरिया के अंदर में देख पाएंगे तो 3 डाउन हुआ है आपका, एक वहाँ पे भी डाउन हुआ है, दूसरा वहाँ डाउन हुआ है और तीसरा यहाँ पे भी। तो इसके अंदर में फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये 1 इंची का पाइप इस रूम के अंदर में आया, एक छोटा सा रूम है, सिर्फ वॉलीवर फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पे 1.5 इंची डाउन हुआ, यहाँ से 1 इंची वहाँ पे डाउन हुआ और ये 1.5 इंची डायरेक्टली उस फ़ैन बॉक्स में मिल गया है। आगे मैं आपको लेके चलूँ फ्रेंड्स, आपको दिखा पाओ ये जो डाइनिंग हॉल का एरिया है और डाइनिंग हॉल के अंदर में सिर्फ ओनली फॉर एक फ़ैन बॉक्स है और इस फ़ैन बॉक्स से अगर डाउन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 डाउन हुए। अब देखेंगे एक इंची का वहाँ पर है, ये 1.5 इंची का, उसका दूसरा यहाँ पे भी 1 इंची का डाउन हुआ है, इसके बाद चौथा यहाँ पे भी 1.5 इंची का डाउन हुआ है, यानी 2 1 इंची का और 1.5 इंची का भी डाउन हुआ है। बाकी जो भी साइड में लाइट लगेंगे वो नीचे ही लाइट लगेंगे क्योंकि कौंसिल लाइट इसके अंदर में बहुत ही कम जगह पे लगे हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये बरामदा एरिया है और बरामदा में 4 कौंसिल बॉक्स यानी कौंसिल लाइट के लिए लगा हुआ है और बाकी सभी में 1 ही इंची का यहाँ पर टोटली पाइप गया है और यही फ़ैन बॉक्स से डायरेक्टली यहाँ मेन MCB बॉक्स के लिए डाउन हुआ है, यहाँ यानी यहाँ पे 2-2 डाउन हुआ है। मेन लाइन के लिए अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ आपको हमने दिखा पाया तो वहीं से ही वो चला जाएगा लाइन उसके ऊपर में। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटली वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी एक डाउन हुआ है,
इसके बाद आपको दिखा पा उस काउंसिल बॉक्स है वहाँ भी डाउन हुआ है। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर में आप देख पाएंगे तो यहाँ पे एक दो और ये तो आपका इस साइड में है, तो यानी दो इस जगह पे डाउन हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में लाइट जो भी लाइट है वो सारे के सारे लाइट दीवार पे ही लगने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी फैन बॉक्स है या जो भी काउंसिल बॉक्स है आप किस तरीके से फिटिंग करेंगे, अगर इस तरह का वर्क मिले तो आप किस तरीके से करेंगे और कहाँ डाउन करना चाहिए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है और सभी को मेज़र करके बारीकी से आप इसको फिटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट भी आएगा। चलिए यहाँ पे हमने टोटली फिटिंग कर पाया हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जानकारी भी दे पाएंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कैसे बाइक वर्क कर सकते हैं, और आपको चलते चलते कुछ जानकारी भी दे पाओ कि आप फैन बॉक्स हो या वो काउंसिल बॉक्स हो या पाइप हो उसको अच्छे से बैंड को डाउन भी करना है और प्लस में अच्छे से बांधना भी है ताकि कहीं भी कोई लूज नहीं रह सके, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा खास कर ध्यान सभी में देना है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।